व्यूअर्स, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब यहाँ जलसा कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि मिलियन मार्च होगा। एक छोटा सा टेक्निकल मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ, फैसला आपने करना है। कैमरामैन साहब जरा इधर कैमरा डालें, अगर आप ये थोड़ा सा आगे आ जाएं, अगर आप ये गौर से देखें, ये कितनी जगह है, ये अगर आप गौर से देखें सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स हैं, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये मेरा ख्याल है मैक्सिमम चंद कनाल जगह है, चंद कनाल। आप इसको गौर से देख लें, हर तरफ से आप इसको वो देखें, वहाँ वो लगेगा स्टेज सजेगा और ये सिर्फ चंद कनाल जगह है, चंद कनाल। थोड़ा सा और आगे आ जाए ताकि क्लैरिटी हो जाए, किसी को ये ना लगे। ये देखें सिर्फ हल्की ये, और वो जो आपको बैरी को जो वाइट स्पाइट डंडे नज़र आ रहे हैं, वाइट वाइट स्टिक्स नज़र आ रही हैं, वो ना स्टिक्स हैं ना डंडे हैं, वो लाइट्स हैं। वो लाइट्स जब इतनी रोशन होगी और जियो न्यूज़ जैसे कैमरे और दीकर जो चैनल हैं जो इस वक्त पता नहीं अवाम को क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो यहाँ लाखों लोगों का मजबा बता देंगे। लेकिन ये दुनिया का दसवां अजूबा होगा, इधर दिखा दें, ये दुनिया का दसवां अजूबा होगा कि चंद कनाल जगह पर, चंद कनाल जगह पर लाखों लोग समा जाएं। ये छोटे ये टेक्निकली, हाँ, जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया उसे मैं सलूट करता हूँ, उसने बहुत टेक्निकली खेला है। मुझे नहीं पता 21 को यहाँ 10 लाख लोग आते हैं, 10,000 आते हैं, 50 लाख आते हैं, ये तो फैसला अवाम ने करना है। लेकिन जिस अंदाज में सजाया गया है, ये बड़ा टेक्निकल सजाया गया है, इतने बंदे नहीं होंगे जितनी सर्च लाइट्स यहाँ पे होंगी। ये लाइट्स इन्होंने जो लगाई हुई हैं, अभी भी आप ये देखें, एक तो बिजली का ज़िया हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि बिजली इस मुल्क में ऑलरेडी लोड शेडिंग है, बिजली महंगी है, पावर थेफ्ट है, ट्रांसमिशन के इशूज़ हैं, हम IPPs का अजाब नहीं हमसे ख़त्म हो रहा, तो यहाँ बिजली रोशनी इतनी होगी कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको सिवाय कुछ नहीं नज़र आएगा। ये मेरी एक असेसमेंट है, मैं पूरे सबूत के साथ ये बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ नाराज़ हो, भाई आप यहाँ 50 लाख बंदे लेंगे तो ये फ़कीर बोलेगा 50 लाख बंदा आया, आप यहाँ 1 करोड़ बंदा लेंगे ये फ़कीर कहेगा 1 करोड़ आया। लेकिन जगह नहीं मुझे लगता यहाँ, ये मैक्सिमम अल्लाह जानता है कि मुझे लगता है कि यहाँ जितनी अभी तक इन्होंने, क्योंकि अब और इन्होंने क्या सजावट करनी है, ये कोई 8-10-15 हज़ार बंदे की जगह है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रही। लेकिन हो सकता है कोई अजूबा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि एक की जगह एक बंदा 1,000 बंदा नज़र आए, या ऐसा कुछ ऐसे सहाफ़ी बताएं कि एक बंदे को 1,000 करके बताएं, तो फिर हो सकता है कि 15 लाख बंदे हो जाए। अदरवाइज इतनी जगह पे ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई ऐसी बाबू फूकों वाली सरकार आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसी फूकें लग जाएँ, कुछ नज़र आना बंद हो जाए, देन पॉसिबिलिटी इज़ देयर, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। या ये हो सकता है कोई आगे कुछ आगे हवा में हो, कुछ नीचे हो, कुछ हवा में हो, कुछ उसके ऊपर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर भी हो सकता है कोई 20-25 मंजिलें बन जाएँ, कुर्सी के ऊपर बंदे के ऊपर बंदे के ऊपर बंदा, फिर भी हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता यहाँ 10,000 या 15,000 से ज़्यादा बंदे की जगह है। आगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे मुल्क को तरक्की दे, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वालों को, इसकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क की जो हिफाजत करें, चाहे वो फौजी है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो कोई भी है, भाई उसके पाँव की, उसके बूटों की खाक मेरी आँखों का सुरमा, जो मेरे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, ये मैं कहता हूँ, कहता रहूँगा, डे फर्स्ट से कह रहा हूँ। लेकिन ये चमत्कार होगा 21 अक्टूबर को, इतनी सी जगह में इतना बंदा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। असलम, और अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबके लिए सानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।